खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रहे वृद्धि के खिलाफ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजभवन के समक्ष दिया धरना। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ झारखंड में भी विरोध और उसके खिलाफ सड़कों पर लोगों का उतरना शुरू हो गया है। इसी क्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित कमेटी के कई विधायक और बड़े चेहरे शामिल रहे। इस दौरान रामेश्वर उरांव ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों को लेकर देश के प्रधानमंत्री पर विभिन्न आरोप लगाए। कहा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी आंखें क्यों बंद कर रखी है? पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है, इसलिए आपको जागना जरूरी है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने झारखंड राज्य के संगठन से लेकर राज्यवासियों की मूलभूत सुविधाओं और महंगाई पर प्रकाश डाला और इन सभी मामलों पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया, जबकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती दर पर पूर्ण विचार करते हुए संशोधन की मांग की। रांची ब्यूरो रिपोर्ट। मल्टीपल इंपैक्ट होगा इसका, चूके और नकली तो एक तरफ तो महंगाई, दूसरी तरफ स्वास्थ्य में पता नहीं 5 लाख इससे कंपटीशन मोदी कर रहे हैं। अभी तक तो 3 और 4 पे पहुंचे हैं, पता नहीं 1 तक पहुंचने का इनको शौक है, क्योंकि हर चीज में ये नंबर 1 रहे हैं। आम आदमी से जुड़ा हुआ जो कोरोना का सवाल है उसमें इनकी छुट्टी है एकदम खत्म। पूरे देश के जो हमारे माइग्रेंट लेबर थे उनको सड़ा के पका के 2 साल 2 महीना 3 महीना का पेट्रोल का 80 पार हो गया। क्यों आंख बंद किए हुए हैं आप? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं देश पर? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम में मूल्य में कमी जल्दी से जल्दी लाइए, ताकि लोगों को व्यक्तिगत और फिर देश की अर्थव्यवस्था पर कोई दिक्कत भी संकट नहीं आवे, यही हम मैसेज देना चाहते हैं।